राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार को भारत के साथ रिश्ते सुधारने की वकालत की है। पाकिस्तान सरकार के थिंक टैंक ISSI की 51वीं सालगिरह पर एक समारोह को संबोधित करते हुए डार ने कहा, हम दुश्मनी में भरोसा नहीं करते हैं, हम भारत के साथ अच्छे पड़ोसी की तरह रिश्ते बनाते हुए जम्मू कश्मीर विवाद को शांतिपूर्ण और सही तरह से हल करना चाहते हैं। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच सालों से दिक्कतें रही है, हमें लगता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल के साथ ही अब समय आ गया है कि हम दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने पर गंभीरता से विचार करें। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के हित में होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने का समर्थक रहा है, लेकिन हम कभी भी भारत के एक तरफा फैसलों को पाकिस्तान पर थोपे जाने और क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिशों को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत को चेतावनी देते हुए डार ने कहा, पाकिस्तान साउथ एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अगर भारत की हिंदुत्व वाली सरकार ने सैन्य कार्रवाई करने की कोई भी कोशिश की तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।